अलंकरण समारोह को शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। शुरू करें। धन्यवाद श्रीमान। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान की ओर से वर्ष 2023 के अलंकरण समारोह में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीएस मैनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी पदक विजेताओं और अन्य परिवारजन की आज यहां उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। वीर जवानों की गाथाएं तुमको आज सुनाता हूं, तूफानों में डटे रहे जो उनको शीश झुकाता हूं। कर्म पथ के वो अनुरागी मैं तो उनका दास हूं, कर्म पथ के वो अनुरागी मैं तो उनका दास हूं, उनकी ही आजादी में लेता खुलकर सांस हूं। भारत मां के प्रणय हेत करता यह एहसास हूं, गाकर गाथा उन वीरों की मन से मैं मुस्कुराता हूं। वीर जवानों की गाथाएं तुमको आज सुनाता हूं। हमारे शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान और बहादुरी की उच्चतम परंपराओं को समर्पित आज के अलंकरण समारोह, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान द्वारा एक युद्ध सेवा मेडल, एक बार टू सेना मेडल वीरता, 49 सेना मेडल वीरता, 4 सेना मेडल प्रतिष्ठा, एक बार टू विशिष्ट सेवा मेडल और 10 विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। जय हिंद श्रीमान। युद्ध सेवा मेडल। देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष युद्ध संघर्ष और लड़ाई के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। अब मैं माननीय जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान से निवेदन करूंगी कि वह पदक विजेताओं को अलंकृत करें। कर्नल प्रदीप दुग्गल, 55th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। कर्नल प्रदीप दुग्गल ने 16 अप्रैल 2018 को शोपिया और पुलवामा में 55th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स की कमान संभाली। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक प्रभावी खुफिया नेटवर्क स्थापित किया। कुशल योजना और सामरिक कौशल की वजह से 25 सफल ऑपरेशन किए गए और 38 आतंकवादियों का खात्मा किया गया। अनुकरण नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण और उत्कृष्ट वीरता के लिए कर्नल प्रदीप दुग्गल को युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। कर्नल प्रदीप दुग्गल। सेना मेडल गैलेंट्री तथा सेना मेडल गैलेंट्री। अब आपके समक्ष कर्तव्य के प्रति असाधारण अटूट निष्ठा और अदम्य साहस के कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए बहादुर सेना मेडल वीरता तथा सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे। नायब सूबेदार नसीर अहमद मीर सेना मेडल, 163 इन्फेंट्री बटालियन टीए। नायब सूबेदार नसीर अहमद मीर ने 23 अगस्त 2021 को अदम्य साहस दर्शाते हुए बिना किसी हथियार के सक्रिय आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया और शीर्ष आतंकवादियों के मंसूबों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त की। दिन के उजाले में नायब सूबेदार नसीर अहमद मीर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तलाशी दस्तों को आतंकवादियों के ठिकाने तक कुशलतापूर्वक पहुंचाने में सफल रहे और उनके द्वारा 5 खूंखार आतंकवादियों का सफाया किया गया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए नायब सूबेदार नसीर अहमद मीर को बार टू सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायब सूबेदार नसीर अहमद मीर सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार द्विवेदी, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 663 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। 11 मार्च 2022 को नियंत्रण रेखा के नजदीक निकासी मिशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार द्विवेदी ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद
उत्कृष्ट उड़ान कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपने हेलीकॉप्टर को एक नाले में तंग जगह पर सुरक्षित उतारा और अपने साथियों और हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट उड़ान कौशल और अद्भुत वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार द्विवेदी को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार द्विवेदी। लेफ्टिनेंट कर्नल साहिल शर्मा, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 3rd बटालियन रोशनी राइफल्स। 10 अप्रैल 2021 को लेफ्टिनेंट कर्नल साहिल शर्मा जम्मू और कश्मीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। अधिकारी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध घरों के चारों तरफ कड़ी घेराबंदी की और आतंकवादियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। भारी गोलाबारी के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल साहिल शर्मा संदिग्ध घर के नजदीक गए और कारगर गोलीबारी करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। उत्कृष्ट वीरता और अनुकरणीय नेतृत्व के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल साहिल शर्मा को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल साहिल शर्मा। मेजर साहिल कुमार, 4th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। मेजर साहिल कुमार 21 अगस्त 2021 को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी अभियान का संचालन कर रहे थे। यह अभियान 19,500 फीट की ऊंचाई पर कठोर इलाके और प्रतिकूल मौसम में पहली बार चलाया गया था। मेजर साहिल कुमार ने अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए निगरानी दस्तों के साथ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जो हमारी सुरक्षा योजनाओं को पूर्ण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अदम्य साहस, सामरिक कौशल और प्रेरक नेतृत्व के लिए मेजर साहिल कुमार को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर साहिल कुमार। मेजर वैभव भटनागर, 3rd बटालियन राजपूत रेजिमेंट। मेजर वैभव भटनागर 23 सितंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों के घुसपैठ के इरादे को विफल करने के लिए घात लगाकर बैठे थे। आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पार करते देख अधिकारी ने भीषण गोलीबारी के बीच एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। तभी दूसरा आतंकवादी पत्थरों के पीछे छिपकर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगा। मेजर वैभव भटनागर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना पत्थरों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। उत्कृष्ट वीरता और दुश्मन के समक्ष असाधारण नेतृत्व और सामरिक कुशाग्रता के लिए मेजर वैभव भटनागर को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर वैभव भटनागर। मेजर सुदीप कुमार, सिख रेजिमेंट, 46 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर सुदीप कुमार बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स की एक कंपनी के कंपनी कमांडर थे। 27 अक्टूबर 2021 को उन्हें सूचना मिली कि उनके इलाके में गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी आए हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए अधिकारी ने नाका स्थापित किया और भीषण गोलीबारी के बीच आगे बढ़कर जवाबी गोलीबारी में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। उत्कृष्ट वीरता, कुशल नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए
मेजर सुदीप कुमार को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर सुदीप कुमार। मेजर अजहर वाजिद, फोर्थ बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। मेजर अजहर वाजिद 23 अगस्त 2021 को जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के सरगनाओं का खात्मा करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। सुरक्षा दस्तों को अपने आसपास महसूस कर आतंकवादियों ने भागने का प्रयास किया। आतंकवादियों को भागता देख मेजर अजहर वाजिद भीड़ को भेदते हुए आगे बढ़े और सामने से कारगर गोलीबारी करते हुए एक आतंकवादी सरगना का सफाया कर दिया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और कुशल नेतृत्व के लिए मेजर अजहर वाजिद को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर अजहर वाजिद। मेजर ऋषभ जामवाल, गढ़वाल राइफल्स, 14th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। सितंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर में शुरू किए गए ऑपरेशन के दौरान जब मेजर ऋषभ जामवाल ने एक आतंकवादी को भागते हुए देखा तब उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते हुए अपनी जगह को बदला और उस आतंकवादी को घेर लिया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना भीषण गोलीबारी के बीच मेजर ऋषभ जामवाल आतंकवादी के नजदीक गए और उसे मार गिराया। उच्च स्तरीय पहल, अदम्य साहस और सामरिक कुशाग्रता के लिए मेजर ऋषभ जामवाल को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर ऋषभ जामवाल। मेजर अनुजवीर सिंह, जाट रेजिमेंट, 34th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर अनुजवीर सिंह 11 अक्टूबर 2021 को जम्मू और कश्मीर में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। कड़ी घेराबंदी महसूस करते ही आतंकवादियों ने उनके दस्तों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान एक आतंकवादी नजदीक के गौशाला में छिप गया। भीषण गोलीबारी के बीच अपनी जान की परवाह ना करते हुए अधिकारी कुशलता से गौशाला की तरफ बढ़े और उस खूंखार आतंकवादी को ढेर कर दिया। अदम्य साहस, अनुकरणीय नेतृत्व के लिए मेजर अनुजवीर सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर अनुजवीर सिंह। मेजर मनदीप कुलबीर नरवाल, गढ़वाल राइफल्स, 48th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर मनदीप कुलबीर नरवाल 5 अगस्त 2021 को जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। आतंकवादियों के साथ कठिन और घने जंगली इलाके में मुठभेड़ के दौरान मेजर मनदीप ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना भीषण गोलीबारी के बीच एक कुख्यात आतंकवादी को मार गिराते हुए दूसरे आतंकवादी के भागने का रास्ता बंद किया और उसे भी मार गिराया। सुनियोजित ऑपरेशन, अनुकरणीय नेतृत्व और उत्कृष्ट वीरता के लिए मेजर मनदीप को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर मनदीप कुलबीर नरवाल। मेजर नवदीप सिंह, 1st बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस।
29 दिसंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान मेजर नवीद सिंह और उनके दस्तों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया, परंतु तीसरे आतंकवादी का पता नहीं चल पा रहा था। तभी तीसरे आतंकवादी ने नजदीक के घर की छत से उनके तलाशी दस्तों पर अंधाधुंध गोलीबारी करके भागने की कोशिश की। अधिकारी अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादी की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़े और हथगोला फेंक कर तीसरे खूंखार आतंकवादी को भी मार गिराया। दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस एवं अपनी जान की परवाह किए बिना सामरिक युद्ध कौशल में उत्कृष्ट वीरता दर्शाने के लिए मेजर नवनीत सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर नवनीत सिंह। मेजर विजय सिंह, आर्मर कोर 6 असम राइफल्स। मेजर विजय सिंह 28 जुलाई 2021 को अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में ऑपरेशन कोटम फॉरेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे। अधिकारी जंगल के बीच रेंगते हुए विद्रोही ठिकानों तक पहुंचे और विद्रोहियों को समर्पण करने को कहा, परंतु विद्रोहियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना मेजर विजय सिंह ने जवाबी गोलीबारी करते हुए दो विद्रोहियों को ढेर कर दिया और साथ ही साथ एक नागरिक की जान भी बचाई। अदम्य साहस और उत्कृष्ट वीरता के लिए मेजर विजय सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर विजय सिंह। मेजर जसमीत सिंह भाटिया, ग्रेनेडियर्स 55th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर जसमीत सिंह भाटिया 29 जनवरी 2022 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। छिपे हुए आतंकवादियों के साथ भीषण गोलीबारी के बीच अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेजर जसमीत सिंह भाटिया आतंकवादियों की तरफ बढ़े और कारगर गोलीबारी करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और अनुकरणीय नेतृत्व के लिए मेजर जसमीत सिंह भाटिया को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर जसमीत सिंह भाटिया। मेजर आमिर सोहेल, सिग्नल कोर 13th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर आमिर सोहेल, जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में 23 जुलाई 2021 को शुरू किए गए तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट और गतिशील योजना को अंजाम देते हुए दो आतंकवादियों की उपस्थिति का पता लगाया और इलाके की कड़ी घेराबंदी की। आतंकवादियों ने भीषण गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया, परंतु अधिकारी अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और एक आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और कुशल नेतृत्व के लिए मेजर आबिद सोहेल को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर आबिद सोहेल। मेजर अंशित सरप्रताप रत्तानी, 9th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। मेजर अंशित सरप्रताप रत्तानी 5 अगस्त 2021 को जम्मू और कश्मीर के रजौरी जिले में शुरू किए गए तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। तलाशी के दौरान जवाबी कार्रवाई में उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया।
इसके उपरांत अधिकारी ने एक आतंकवादी को पहाड़ी के नीचे तलाशी दस्तों पर घात लगाकर बैठे हुए देखा। मेजर अंशित सरप्रताप रत्तानी भीषण गोलीबारी के बीच अपनी जान की परवाह ना करते हुए रेंगते हुए आतंकवादी की ओर बढ़े और उसे मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और कुशल नेतृत्व के लिए मेजर अंशित सरप्रताप रत्तानी को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर अंशित सरप्रताप रत्तानी। मेजर रोहित पी नायर, पंजाब रेजिमेंट 22nd बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर रोहित पी नायर 4 मई 2021 को जम्मू और कश्मीर के गांव में शुरू किए गए ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। अधिकारी ने आतंकवादियों से रक्षक वाहन का इस्तेमाल करते हुए संपर्क स्थापित किया। जब आतंकवादियों ने सुरक्षा वाहन के ऊपर भीषण गोलीबारी की और हथगोले फेंकते हुए भागने का प्रयास किया, तब मेजर रोहित पी नायर रक्षक वाहन से उतरे और रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़कर जवाबी गोलीबारी में एक खूंखार आतंकवादी को ढेर कर दिया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और कुशल नेतृत्व के लिए मेजर रोहित पी नायर को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर रोहित पी नायर। कैप्टन ऋषभ ढुंगाना, सिग्नल कॉर 50th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। कैप्टन ऋषभ ढुंगाना 16 अक्टूबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में दो घेराबंदी और तलाशी अभियानों का नेतृत्व कर रहे थे। आतंकवादियों के घर के अंदर छिपे होने के कारण उनको मार गिराना मुश्किल था। अधिकारी ने बारूद के विस्फोट से घर के आधे हिस्से को ध्वस्त कर दिया और भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़कर एक कुख्यात आतंकवादी को मार गिराया। उत्कृष्ट वीरता और कुशल नेतृत्व के लिए कैप्टन ऋषभ ढुंगाना को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। कैप्टन ऋषभ ढुंगाना। कैप्टन मुश्ताक उल इस्लाम खान, 12th बटालियन जाट रेजिमेंट। कैप्टन मुश्ताक सितंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर में तलाशी अभियान का हिस्सा थे। संपर्क स्थापित होने के उपरांत आतंकवादियों ने भीषण गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कैप्टन मुश्ताक विशिष्ट युद्ध कौशल को प्रदर्शित करते हुए आतंकवादियों पर लगातार कारगर गोलीबारी करते रहे, जिसकी वजह से एक खूंखार आतंकवादी मारा गया और दूसरे आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। अदम्य सामरिक कुशाग्रता और लड़ाकू निडरता के लिए कैप्टन मुश्ताक को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। कैप्टन मुश्ताक उल इस्लाम खान। सूबेदार संदीप कुमार, 9th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। सूबेदार संदीप कुमार को डेल्टा टीम के ट्रूप जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में निगरानी अभियान की योजना, समन्वय और निष्पादन का कार्य सौंपा गया था। सूबेदार संदीप कुमार ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना 18,000 से 21,000 फीट की ऊंचाई पर प्रतिकूल मौसम की स्थिति में दुश्मन के क्षेत्रों में निगरानी स्थापित की और ऐसी खुफिया जानकारी प्राप्त की जिससे हमारी सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने में मदद मिली। दृढ़ संकल्प, त्रुटिहीन योजना और अदम्य साहस के लिए सूबेदार संदीप कुमार को
सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सूबेदार संदीप कुमार। नायब सूबेदार दलजीत सिंह, 9th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। नायब सूबेदार दलजीत सिंह की अल्फा टीम ने फरवरी 2021 में अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने दस्तों के साथ निगरानी अभियान का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की खुफिया जानकारी हासिल की और एक नए सड़क मार्ग का भी पता लगाया। इन सूचनाओं से हमारी सुरक्षा योजनाओं को तैयारी करने में अहम मदद मिली। अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कुशल नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार दलजीत सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायब सूबेदार दलजीत सिंह। लांस हवलदार मेजर सिंह, 4th बटालियन सिख रेजिमेंट। लांस हवलदार मेजर सिंह 1 जनवरी 2022 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास संवेदनशील क्षेत्र में प्रभुत्व गश्त दल का हिस्सा थे, जिसमें लांस हवलदार मेजर सिंह को घाट क्षेत्र में आने वाले आतंकवादी को मार गिराने का काम सौंपा गया था। उन्होंने उपयुक्त स्थान चुनकर आतंकवादी के घात क्षेत्र में घुसते ही बिना कोई मौका गवाए आतंकवादी के सिर पर गोली मारकर उसे मार गिराया। उनके अदम्य साहस और उत्कृष्ट वीरता के लिए लांस हवलदार मेजर सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लांस हवलदार मेजर सिंह। लांस हवलदार नॉर्डन लेपचा मैकनाइज इन्फेंट्री, 9th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। लांस हवलदार नॉर्डन लेपचा 20 नवंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के सदस्य थे। घेराबंदी के दौरान ही आतंकवादियों ने भागने के इरादे से घेराव दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की और हथगोले भी फेंके। लांस हवलदार नॉर्डन लेपचा अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों के पीछे भागे और नजदीकी लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य एवं अतुलनीय भावना, उत्कृष्ट वीरता और कर्तव्य परायणता के लिए लांस हवलदार नॉर्डन लेपचा को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लांस हवलदार नॉर्डन लेपचा। नायक आकाश सधोत्रा, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 50th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। नायक आकाश सधोत्रा 16 अक्टूबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में शुरू किए गए तलाशी अभियान का हिस्सा थे। छोटे हथियारों से आतंकवादी के ऊपर गोलीबारी कारगर साबित ना होने के कारण घर के आगे वाली दीवार को ध्वस्त करना आवश्यक था। नायक आकाश सधोत्रा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे बढ़े और दीवार को बारूद से ध्वस्त कर डाला और रेंगते हुए आगे बढ़कर एक खूंखार आतंकवादी का सफाया कर दिया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और अनुकरणीय युद्ध कौशल के लिए नायक आकाश सधोत्रा को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक आकाश सधोत्रा। नायक सरबजीत सिंह आमरकोर, 55th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स।
5 जनवरी 2022 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट जानकारी के आधार पर नायक सरबजीत सिंह ने एक अभेद घेराबंदी तेजी से सुनिश्चित की। घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में गौशाला में छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। नायक सरबजीत सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े और कारगर गोलीबारी करके खूंखार आतंकवादी का सफाया कर दिया। अदम्य साहस और उत्कृष्ट कर्तव्य परायणता के लिए नायक सरबजीत सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक सरबजीत सिंह। नायक ललित सिंह शेखावत, राजपुताना राइफल्स, 9th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 11 नवंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान नायक ललित सिंह शेखावत ने भीषण गोलीबारी के बीच आगे बढ़कर मुकाबला किया और आतंकवादियों को भागने से रोका। उन्होंने एक खूंखार आतंकवादी यावर भट्ट को पहचाना और उसकी सूचना घेराबंदी दलों को देकर आतंकवादियों के भागने के इरादे को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ समय उपरांत नायक ललित सिंह शेखावत आगे बढ़े और जवाबी कार्रवाई कर उस आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, प्रभावी क्रिया और अनुकरणीय पहल के लिए नायक ललित सिंह शेखावत को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक ललित सिंह शेखावत। हवलदार सरताज अहमद वागे, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 50th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। हवलदार सरताज 20 अगस्त 2021 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान में लड़ाकू दस्ते का हिस्सा थे। उन्होंने घातक दस्तों का नेतृत्व करते हुए इलाके की कड़ी घेराबंदी की और आतंकवादियों के भागने के सभी मार्गों को बंद कर दिया। हवलदार सरताज ने खुद को महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात किया और अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों की ओर बढ़े और भीषण गोलीबारी करके एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल और विशिष्ट वीरता के लिए हवलदार सरताज को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। हवलदार सरताज अहमद वागे। नायक अजय कुमार, राजपूत रेजिमेंट, 44th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। नायक अजय कुमार 18 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के शोपिया गांव में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। एक आतंकवादी को मार गिराने के बाद जब लक्षित घर को संबोधित किया जा रहा था, तभी आतंकवादियों ने दक्षिण दिशा से भागने की कोशिश करते हुए उनके ऊपर भीषण गोलीबारी की और हथगोले फेंके। इस करीबी गोलीबारी के दौरान दाहिने बाजू पर गोली लगने से घायल होने के बावजूद नायक अजय कुमार ने कारगर गोलीबारी करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस और उत्कृष्ट वीरता के लिए नायक अजय कुमार को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक अजय कुमार। नायक कृष्ण कुमार पायला, राजपूत रेजिमेंट, 44th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। नायक कृष्ण 8 अप्रैल 2021 को जम्मू और कश्मीर के शोपिया जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। दो आतंकवादी मस्जिद में छुपे हुए थे, जिसके कारण किसी भी हथियार से उन्हें मार गिराना मुश्किल हो रहा था।
नायक कृष्ण ने आगे बढ़कर आतंकवादियों को मस्जिद से बाहर निकालने के लिए मिर्च के हथगोले फेंके, जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए मस्जिद से बाहर निकला। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नायक कृष्ण ने कारगर गोलीबारी कर मौके पर ही आतंकवादी का खात्मा कर दिया। अदम्य साहस, कुशाग्रता और उचित सूझबूझ के लिए नायक कृष्ण कुमार को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक कृष्ण कुमार पायाला। नायक सुरजीत सिंह, 24th बटालियन, पंजाब रेजिमेंट। 25 अप्रैल 2021 को अग्रिम चौकी पॉइंट 5810 बेस अचानक और अप्रत्याशित हिमस्खलन से दब गया। अन्य साथियों के साथ 20 फीट बर्फ के मलबे, शून्य दृश्यता और न्यूनतम ऑक्सीजन के नीचे दबे होने के बावजूद नायक सुरजीत सिंह ने कंपनी और बटालियन मुख्यालय के साथ संचार स्थापित किया, जिसके कारण तेजी से हिमस्खलन बचाव अभियान शुरू किया जा सका। कष्टदायी दर्द और शारीरिक आघात के बावजूद नायक सुरजीत सिंह ने निकासी से इनकार किया और अपने चार साथियों की जान बचाई। अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट वीरता के लिए नायक सुरजीत सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक सुरजीत सिंह। राइफलमैन ईशान हुसैन खान, 29 दिसंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी में राइफलमैन ईशान हुसैन खान ने कारगर गोलीबारी की, जिससे आतंकवादियों को उनकी स्थिति का पता चल गया। आतंकवादियों ने उनकी ओर हथगोला फेंका, जिससे वह घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर एक आतंकवादी को नजदीकी से मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट सूझबूझ और अतुलनीय युद्ध भावना के लिए राइफलमैन ईशान हुसैन खान को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। राइफलमैन ईशान हुसैन खान अब भी अस्पताल में कोमा की स्थिति में है और लड़ रहे हैं, इसलिए आज वो इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए खुद उपस्थित नहीं है। सम्मान स्वीकार कर रहे हैं उनके पिता श्री मोहम्मद शफी खान। नायक संजीव कुमार, 3rd बटालियन, राजपूत रेजिमेंट। नायक संजीव कुमार 23 सितंबर 2021 को नियंत्रण रेखा के पास जंगली इलाके में संभावित घुसपैठ मार्ग पर लगाए गए घाती दस्तों का हिस्सा थे। आतंकवादियों ने घुसपैठ के इरादे से उनके स्थान पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए नायक संजीव कुमार ने ऑपरेशन की पहली गोली चलाकर एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। समय पर कार्रवाई, साहस और त्वरित निर्णय शक्ति के लिए नायक संजीव कुमार को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक संजीव कुमार। लांस हवलदार शक्ति सिंह, 3rd बटालियन, राजपूत रेजिमेंट। लांस हवलदार शक्ति सिंह, 23 सितंबर 2021 को नियंत्रण रेखा के पास संभावित घुसपैठ मार्ग पर लगाए गए घाती दल का हिस्सा थे। आतंकवादियों ने घुसपैठ करने के इरादे से उनके ऊपर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। भीषण गोलीबारी के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लांस हवलदार शक्ति सिंह आतंकवादियों की ओर बढ़े और बहुत करीब से कारगर गोलीबारी करते हुए एक आतंकवादी का खात्मा कर दिया।
अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और अनुकरणीय युद्ध कौशल के लिए लांस हौलदार शक्ति सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लांस हौलदार शक्ति सिंह। हवलदार हरिओम, फर्स्ट बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। हवलदार हरिओम को 14 दिसंबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों को निशाना बनाने और मार गिराने का कार्य सौंपा गया था। हवलदार हरिओम ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना घने जंगलों के बीच माइनफील्ड को हटाया और आतंकवादियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए एक गुप्त निगरानी चौकी की स्थापना की। गोलीबारी का आदेश मिलते ही हवलदार हरिओम ने सटीक गोलीबारी से एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। वीरतापूर्ण पहल, सटीक सूझबूझ और कुशाग्रता के लिए हवलदार हरिओम को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। हवलदार हरिओम। नायक केसर सिंह, राजपूत रेजिमेंट 44th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। नायक केसर सिंह 14-15 दिसंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में शुरू किए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कड़ी घेराबंदी से बचने के प्रयास में एक आतंकवादी अंधेरे की आड़ में नायक केसर सिंह की ओर बढ़ा और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए उनकी तरफ हथगोले भी फेंके। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नायक केसर सिंह आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच रेंगकर उपयुक्त स्थान पर पहुंचे और उस खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस और अत्यधिक जोखिम भरी स्थिति में कुशाग्रता के लिए नायक केसर सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक केसर सिंह। नायक प्यारे लाल, जाट रेजिमेंट 34th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। नायक प्यारे लाल 13 मार्च 2021 को जम्मू और कश्मीर के एक गांव में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी उनकी तरफ अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोले फेंकते हुए दौड़ता हुआ आ रहा है। असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए नायक प्यारे लाल ने संयम बनाए रखा और आतंकवादी को उनके हथियार की प्रभावी सीमा में आते ही सटीक गोलीबारी से उसे ढेर कर दिया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और कर्तव्य से परे समर्पण के लिए नायक प्यारे लाल को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक प्यारे लाल। नायक सुगेंद्र सिंह, मैकनाइज इन्फेंट्री 42nd बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। नायक सुगेंद्र सिंह जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान कंपनी कमांडर की त्वरित प्रतिक्रिया दल के सदस्य थे। एक आतंकवादी तुरंत बचने के प्रयास में दक्षिण दिशा की ओर भागा। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नायक सुतेंद्र सिंह ने प्रभावी गोलीबारी कर आतंकवादी के भागने के मार्ग को अवरुद्ध किया और एक कुख्यात आतंकवादी का सफाया कर दिया। असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और सैनिक चरित्र के इस कार्य के लिए नायक सुतेंद्र सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक सुतेंद्र सिंह।
सिपाही चेनाराम जाट रेजिमेंट 34th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। सिपाही चेनाराम 17 नवंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के सदस्य थे। वह आतंकवादियों के भागने के संभावित मार्ग पर तैनात थे, तभी उन्होंने देखा कि दो खूंखार आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोले फेंकते हुए घेराबंदी तोड़ने के इरादे से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए सिपाही चेनाराम आगे बढ़े और गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। उत्तम सामरिक कौशल, निस्वार्थ समर्पण और विशिष्ट बहादुरी के लिए सिपाही चेनाराम को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सिपाही चेनाराम। नायक जसविंदर सिंह, मैकनाइज इन्फेंट्री 42nd बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। नायक जसविंदर सिंह जनवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान घातक दल के सदस्य थे। उन्होंने देखा कि दो संदिग्ध आतंकवादी एक बुजुर्ग महिला के पीछे हथियार लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ललकारने पर संदिग्ध आतंकवादियों ने भागने की कोशिश के साथ नायक जसविंदर सिंह पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। नायक जसविंदर सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना रेंगते हुए एक आतंकवादी के पास पहुंचे और सिर्फ 10 मीटर की दूरी से उसको मार गिराया। अदम्य साहस और उत्कृष्ट वीरता के लिए नायक जसविंदर सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक जसविंदर सिंह। गनर परमबीर सिंह आर्टिलरी रेजिमेंट 19th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। गनर परमबीर सिंह 10 जुलाई 2021 को जम्मू और कश्मीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। दो आतंकवादी घर से निकलकर गनर परमबीर सिंह पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए नाले की ओर भागने लगे। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना युद्ध कौशल का परिचय देते हुए गनर परमबीर सिंह ने अपना स्थान बदला और कारगर गोलीबारी कर करीबी लड़ाई में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। असाधारण युद्ध प्रक्रिया, स्थिति की परख और भीषण गोलीबारी में उत्कृष्ट वीरता के लिए गनर परमबीर सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। गनर परमबीर सिंह। लांस नायक मनीष, पंजाब रेजिमेंट 22nd बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। लांस नायक मनीष 21 जून 2021 को जम्मू और कश्मीर में तलाशी अभियान का हिस्सा थे। पहले आतंकवादी के खात्मे के पश्चात सुबह 4 बजे दूसरे आतंकवादी ने आड़ और अंधेरे का फायदा उठाते हुए लांस नायक मनीष पर हथगोला फेंका और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे वह घायल हो गए। घायल होने के बावजूद लांस नायक मनीष प्रभावी रूप से युद्ध कौशल को दर्शाते हुए उसकी तरफ बढ़े और नजदीक की लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के लिए लांस नायक मनीष को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लांस नायक मनीष। ग्रेनेडियर रवि कुमार, ग्रेनेडियर्स 55th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। ग्रेनेडियर रवि कुमार ने 8 दिसंबर 2020 को जम्मू और कश्मीर में चलाए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान
गाइड के रूप में इलाके की कड़ी घेराबंदी सुनिश्चित की। तलाशी के दौरान एक संकरी गली में छिपे आतंकवादियों ने ग्रेनेडियर रवि कुमार पर 3 हथगोले फेंके और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। भीषण गोलीबारी के बीच ग्रेनेडियर रवि कुमार ने चतुराई से अपना स्थान बदला और छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचकर नजदीकी मुकाबले में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, असाधारण समर्पण और कर्तव्य परायणता के लिए ग्रेनेडियर रवि कुमार को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। ग्रेनेडियर रवि कुमार। ग्रेनेडियर विष्णु, ग्रेनेडियर्स, 55th बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। ग्रेनेडियर विष्णु 8 दिसंबर 2020 को जम्मू और कश्मीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। उन्होंने कड़ी घेराबंदी करते हुए आतंकवादियों के भागने के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना ग्रेनेडियर विष्णु ने अपनी जान जगह में बदलाव किया और रेंगते हुए आगे बढ़कर नजदीकी गोलीबारी में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। उच्च कोटि की बहादुरी और कर्तव्य परायणता के लिए ग्रेनेडियर विष्णु को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। ग्रेनेडियर विष्णु। नायक कमल सिंह, राजपूत रेजिमेंट, 44th बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। 1 जुलाई 2021 को नायक कमल सिंह जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान एक संकरी गली को अवरुद्ध करने के लिए आंतरिक घेरे में तैनात थे। उसी समय एक आतंकवादी ने उनकी दिशा में अंधाधुंध गोलीबारी की और गली से भागने की कोशिश की। जमीन की आड़ लेते हुए नायक कमल सिंह रेंगते हुए आतंकवादी की ओर बढ़े और बहुत करीब से जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया। उत्कृष्ट वीरता और कठिन परिस्थिति में सामरिक संतुलन के लिए नायक कमल सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक कमल सिंह। नायक मनदीप कुमार, जाट रेजिमेंट, 34th बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। नायक मनदीप कुमार 27 मार्च 2021 को जम्मू और कश्मीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। आतंकवादियों से प्रारंभिक संपर्क के बाद एक आतंकवादी बंद जगह पर छिपकर घेराव दल के ऊपर गोलीबारी करने लगा। भीषण गोलीबारी के दौरान नायक मनदीप कुमार के बाएं हाथ और पैर में गोली लग गई। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नायक मनदीप कुमार रेंगते हुए आतंकवादी की तरफ बढ़े और छिपे हुए आतंकवादी के नजदीक से जाकर गोलीबारी में उसे मार गिराया। अदम्य साहस और उत्कृष्ट वीरता के लिए नायक मनदीप कुमार को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक मनदीप कुमार। सिपाही अमरवीर सिंह, सिख लाइट इन्फेंट्री, 19th बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। 10 जुलाई 2021 को सिपाही अमरवीर सिंह ने जम्मू और कश्मीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान अग्रिम स्काउट की भूमिका निभाते हुए अपने गुप्त दल को घने जंगलों के बीच से आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंचाया। घर के अंदर छिपे हुए दो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और नाले की ओर भागे। सिपाही अमरवीर ने रेंगते हुए अपना स्थान बदला और आतंकवादियों के नजदीक पहुंचकर नजदीकी गोलीबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया।
अदम्य साहस और भीषण गोलीबारी में असाधारण युद्ध कौशल दर्शाने के लिए सिपाही अमरवीर सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सिपाही अमरवीर सिंह। राइफलमैन लखन सिंह, राजपूताना राइफल्स, 9th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। राइफलमैन लखन सिंह 29 दिसंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। उन्होंने तलाशी के दौरान संदिग्ध हरकत होने पर आतंकवादियों को देखा और उन्हें चुनौती दी। इसी दौरान आतंकवादियों ने राइफलमैन लखन सिंह पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना राइफलमैन लखन सिंह ने आतंकवादियों पर हथगोला फेंककर एक भूखार आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और अनुकरणीय युद्ध कौशल के लिए राइफलमैन लखन सिंह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। राइफलमैन लखन सिंह। राइफलमैन दीपक फोगाट, राजपूताना राइफल्स, 9th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। राइफलमैन दीपक फोगाट 17 नवंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान का हिस्सा थे। तलाशी के दौरान तीन आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की और झाड़ियों का फायदा उठाते हुए घेरा दलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए राइफलमैन दीपक फोगाट आतंकवादियों के नजदीक गए और एक आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और अनुकरणीय युद्ध कौशल के लिए राइफलमैन दीपक फोगाट को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। राइफलमैन दीपक फोगाट। सैपर हनुमंत धरेपा अयती, कोर ऑफ इंजीनियर्स, 44th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। सैपर हनुमंत 24 दिसंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान के सदस्य थे। उन्होंने घने जंगलों के बीच पैदल चलकर तलाशी दल का मार्गदर्शन किया और लक्षित खर्द के चारों ओर कड़ी घेराबंदी करते हुए अंदर छिपे हुए आतंकवादी की उपस्थिति की पुष्टि की। सैपर हनुमंत ने अपनी स्थिति में बदलाव करते हुए आतंकवादियों के भागने के मार्ग को अवरुद्ध किया और भीषण गोलीबारी में मौके पर ही एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस और अनुकरणीय युद्ध कौशल के लिए सैपर हनुमंत धरेपा अयती को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सैपर हनुमंत धरेपा अयती। सवार राजवीर सिंह तलवर, द 64th कैवलरी, 24th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। सवार राजवीर सिंह तलवर 19 दिसंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में शुरू किए गए ऑपरेशन में कंपनी कमांडर की विशिष्ट तलाशी अभियान दल का हिस्सा थे। उन्होंने त्वरित कार्य दस्ते का नेतृत्व किया और आतंकवादियों को बिना पता लगे लक्षित घर तक पहुंच गए। घेराबंदी करने के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। अपनी जान की परवाह ना करते हुए सवार राजवीर सिंह तनवर ने मौके पर पहुंचकर भागते हुए आतंकवादी को काफी नजदीकी मुठभेड़ में मार गिराया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और अनुकरणीय युद्ध कौशल के लिए सवार राजवीर सिंह तनवर को
सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सवार राजवीर सिंह तलवर। नायक नदीम इकबाल शाह 163 इन्फेंट्री बटालियन डीए। नायक नदीम इकबाल शाह ने 23 अगस्त 2021 को अदम्य साहस दर्शाते हुए बिना किसी हथियार के सक्रिय आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया और शीर्ष आतंकवादियों के मंसूबों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त की। दिन के उजाले में नायक नदीम इकबाल शाह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तलाशी दस्तों को आतंकवादियों के ठिकाने तक कुशलतापूर्वक पहुंचाने में सफल रहे और उनके द्वारा 5 खूंखार आतंकवादियों का सफाया करवा दिया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए नायक नदीम इकबाल शाह को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक नदीम इकबाल शाह। सेना मेडल प्रतिष्ठा। अब आपके समक्ष कर्तव्य के प्रति असाधारण अटूट निष्ठा के विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए सेना मेडल प्रतिष्ठा प्रदान किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, हेडक्वार्टर 16 कॉम। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को उत्कृष्ट सेवा के लिए सेना मेडल प्रतिष्ठा से अलंकृत किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल, हेडक्वार्टर 14 कोर। ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल को उत्कृष्ट सेवा के लिए सेना मेडल प्रतिष्ठा से अलंकृत किया जाता है। ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल। ब्रिगेडियर नांगरी फराग केशव राव, हेडक्वार्टर नॉर्थ कमांड। ब्रिगेडियर नांगरी फराग केशव राव को उत्कृष्ट सेवा के लिए सेना मेडल प्रतिष्ठा से अलंकृत किया जाता है। ब्रिगेडियर नांगरी फराग केशव राव। कर्नल विकास मारवा, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोथोरेसिक साइंस। कर्नल विकास मारवा को उत्कृष्ट सेवा के लिए सेना मेडल प्रतिष्ठा से अलंकृत किया जाता है। कर्नल विकास मारवा। विशिष्ट सेवा मेडल। अब आपके सामने उत्कृष्ट कोटि की असाधारण एवं विशिष्ट प्रकार की सेवा के लिए 12 विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। कर्नल अवनीश सिंह, हेडक्वार्टर लेसबेरिया। कर्नल अवनीश सिंह, सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल को उत्कृष्ट सेवा के लिए 12 विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। कर्नल अवनीश सिंह, सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
लेफ्टिनेंट जनरल के एच गवर्स एमसीटीई मऊ, लेफ्टिनेंट जनरल के एच गवर्स को उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल के एच गवर्स। Major General Harsh Chhibbar, Headquarters, Northern Command. Major General Harsh Chhibbar को उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जा रहा है। Major General Harsh Chhibbar. ब्रिगेडियर अभिजीत मित्रा सेना मेडल हेडक्वार्टर 16 कोर। ब्रिगेडियर अभिजीत मित्रा सेना मेडल को उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। ब्रिगेडियर अभिजीत मित्रा सेना मेडल। Brigadier Amit Nautiyal, Headquarter, 16 Corps. Brigadier Amit Nautiyal, Sena Medal को उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। Brigadier Amit Nautiyal, Sena Medal. ब्रिगेडियर राजेश बिष्ट हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड। ब्रिगेडियर राजेश बिष्ट को उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। ब्रिगेडियर राजेश बिष्ट। कर्नल संग्राम सिंह कटोच हेडक्वार्टर 16 कोर। कर्नल संग्राम सिंह कटोच को उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। कर्नल संग्राम सिंह कटोच। कर्नल के सलील कुमार हेडक्वार्टर 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स। कर्नल मनीष सहगल हेडक्वार्टर 18 इन्फेंट्री ब्रिगेड। कर्नल मनीष सहगल को उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। कर्नल मनीष सहगल।
कर्नल समिंदर सिंह, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। कर्नल समिंदर सिंह को उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जाता है। कर्नल समिंदर सिंह, कर्नल द्रोणाचार्य राव, 92 बेस हॉस्पिटल। कर्नल द्रोणाचार्य राव, आज का यह भव्य समारोह देश की सेवा में जुटे हमारे वीर सैनिकों को समर्पित है। सरफरोशी के जुलूम से भरे हमारी सेना के जाबाज दिन रात सीमाओं की मुस्तैदी से हिफाजत कर रहे हैं। आओ मिलकर इनके इस जज्बे को सलाम करें। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से अनुरोध करता हूं कि वह इस अलंकरण समारोह को संबोधित करें। जनरल द्विवेदी सर, प्लीज। रतन कमांड के पुरस्कार विजेता, आपके परिवारजन, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सदस्य, अधिकारीगण, सरदार साहबान, बहादुर जवानों, देवियों एवं सज्जनों, इस इन्वेस्टिगेटर सेरेमनी के गौरवशाली अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप कार्य कर यह सम्मान हासिल किया है। नदन कमांड की सीमा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों को पूरा करने में पिछले वर्ष हमारे अनेक वीर सेनानियों ने अनुकरणीय शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। आज हम मातृभूमि के लिए उनके परम योगदान को नमन करते हैं और सम्मान और कृतज्ञता में अपना शीश झुकाते हैं। नदन कमांड के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र भारत के लिए भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बाउंड्री, AGPL और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे मुहिम देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके फलस्वरूप नदन कमांड हमेशा ऑलवेज इन कॉम्बैट रहता है। मैं इस अद्वितीय ऑपरेशन एनवायरमेंट और ऑप रक्षक, ऑप मेघदूत और ऑप स्नो लेपर्ड में हमारे बहादुर जवानों के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन की अत्यंत सराहना करता हूं। हमारे बहादुर अधिकारियों, JCO और सैनिकों ने विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस, अनिर्मित शूरवीरता और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया है। जम्मू कश्मीर का इलाका धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। सन 2022 में ऑपरेशन योजना बनाने में दक्ष दृढ़ता प्रदर्शित करते हुए हमने प्रभावी योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप हाई रिस्क ऑपरेशन में आतंकवादियों को रियल टाइम टैकिंग की गई और ज्यादातर आतंकवादियों को मार गिराया गया। काउंटर टेरर ऑपरेशंस के सभी आयामों में हमारे सैनिकों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम प्रोफेशनलिज्म और सिनर्जी ने गतिश खतरे को सीमित कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति स्थिर बनी हुई है और सीज फायर कायम है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी और एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस मल्टी टीयर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्थापित किया गया है। सीज फायर वॉल्यूशन की घटनाओं या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश या दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। ट्राई सर्विस सिनर्जी और ITBP, BSF और अन्य CAPF सहित इंटर एजेंसी कॉपरेशन के भी वांछित परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमारी सीमाओं को मजबूती से रक्षा करने की कैपेबिलिटी के लिए जॉइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज संयुक्त रूप से किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सभी ऑपरेशंस अब संयुक्त और एकीकृत हैं। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तरों पर भी एलएसी की स्थिति को हल करने के लिए गहन उपाय भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर फिजिकल डोमिनेशन के साथ साथ तकनीकी माध्यमों से भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जा रही है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का सामना कर रहे हमारे सैनिकों के लिए न्यू जनरेशन वेपन सिस्टम, इक्विपमेंट और स्पेशल क्लोथिंग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेना ने ठोस कदम उठाए हैं। आर्मी चीफ द्वारा दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन ईयर 2023 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नदन कमांड पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य की उपलब्धि को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडिजनाइजेशन, ये हमारा मूल मंत्र है और इस दिशा में चल रहे प्रयास जैसे टेक्नो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, नॉर्टेक सिंपोजियम हमें सभी चुनौतियों के लिए कुशल तरीके से सक्षम बनाने की दिशा में कदम है। मिशन आत्मनिर्भर के राष्ट्रीय लक्ष्य को तहत हमारी प्रोएक्टिव आउटरीच ने स्वदेशी, इंडिजिनस, आरएनडी और स्टार्टअप्स को अनेकों अवसर प्रदान किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नदन कमांड ने उत्तरी सीमाओं के कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 300% अधिक निवेश किया है। आधुनिक शस्त्रों और उपकरणों के इंडक्शन से हमारी फायर पावर, मोबिलिटी, सर्विलेंस और ऑपरेशन लॉजिस्टिक जैसे क्षमताओं में अद्भुत वृद्धि हुई है। नदन कमांड में संचालित किए जा रहे वेपन सिस्टम में K9 वज्रा, धनुष आर्टिगन, रजात जैसे लॉन्ग रेंज सर्विलेंस सिस्टम, मीडियम ऑल्टीट्यूड मिनी आरपीएस, स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आईपीएम व्हीकल्स, ओआरएफ व्हीकल्स और एलसी पेट्रोलिंग बोस्ट शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक हमारी ऑपरेशन रेडीनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसीज के संयुक्त प्रयासों से इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किया है। पिछले 3 वर्षों में तकरीबन हमने 1,500 करोड़ की लागत से न्यू रेजिंग यूनिट्स का रहन सहन यानी बिल्डिंग के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया है। हाई एल्टीट्यूड पर बनाए गए सैनिकों के लिए कार्बन न्यूट्रल आवास नदन कमांड द्वारा किया गया एक अग्रणी प्रयास है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर गतिशक्ति इनिशिएटिव के अनुरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिहारो द्वारा 800 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कों का निर्माण किया गया है। लद्दाख ईस्टर्न हाईवे, शिंकुंडला टनल और जोजिला टनल के निर्माण से हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। भारत की समृद्ध विरासत और धरोहर को सजीव रखने में नदन कमांड को गर्व है। हमारे युद्ध स्मारक यानी वॉर मेमोरियल, संग्रहालय यानी म्यूजियम वास्तव में हमारी समृद्ध सैन्य इतिहास और हमारे वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित करते हैं। रिजांगला और कारगिल वॉर मेमोरियल, इबादत शहादत संग्रहालय और लद्दाख हॉल ऑफ फेम इसके प्रमाण हैं और हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नदन कमांड ने असाधारण समय में असंभव को भी संभव किया है। हाल ही में मेघदूत का हिस्सा बनते हुए पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान कठिन परिस्थितियों में विषम चुनौतियों का सामना करते हुए सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। आने वाले समय में बड़ी मात्रा में महिला अधिकारी और अन्य पद शामिल कमांडिंग ऑफिसर्स नदन कमांड के कठोर क्षेत्रों में तैनात होने की प्रक्रिया में, आर्म फोर्सेस की नई परिवर्तनशील अग्निपथ स्कीम के कार्यान्वयन में, इंडियन आर्मी के मानव संसाधन प्रबंधन यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए एक परिवर्तनशील कदम है। उसको उचित रूप से कार्यान्वित करने हेतु हमारे रेजिमेंटल सेंटर्स में प्रशिक्षित होने वाले अग्निवीरों का मार्गदर्शन तथा उनकी पूर्ण क्षमता का सदुपयोग करने में आप सभी का पूर्ण सहयोग चाहता हूं। सभी देशवासियों की ओर से मैं उन बहादुर सैनिकों और उनके आश्रितों एवं वीर नारियों के योगदान का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इन वीरों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा। मैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के योगदान का भी विशेष रूप से अनुमोदन करता हूं। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया के उन पूर्ण समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ही हम मौजूद चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। मैं खासकर वन कोर का आभारी हूं जिन्होंने थोड़े ही समय में गर्म रेगिस्तानों से बर्फीले रेगिस्तानों और हिमालय की चोटियों का सफर बड़ी सरलता से पूरा किया और नदन कमांड को मथुरा यानी कि श्री कृष्ण नगरी में पदक विजेताओं को सम्मानित करने का गौरव प्रदान किया। मैं वाहेगुरु अल्लाह ताला
और अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी को शांति और संपन्नता प्रदान करे। आप सभी का असीम उत्साह और प्रेरणा मुझे भरोसा दिलाता है कि हमारा देश, चाहे वो आंतरिक हो या सीमाएं, सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। देवियों और सज्जनों, आज हम जिन बहादुरों की पावन संगत में इकट्ठा हुए हैं वो ये जानते हैं कि डर का मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने अपने भय पर काबू पा लिया है, बल्कि उस पर विजय पा ली है और साहस एवं वीरता दिखाते हुए अपने कर्तव्य से बढ़कर बहादुर कारनामों को अंजाम दिया है। एक बार फिर आपको और आपके परिवारजनों को बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ये अलंकरण समारोह समाप्त होता है। मैं आरती कार्तिक और मेरे साथी कमेंटेटर लेफ्टिनेंट कर्नल चरणजीत सिंह मैनी आपसे विदा लेते हैं। अब आप सबसे अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रीय गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना।